हेलो व्यूअर्स, हम आज फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं, लेकिन इस सक्सेस स्टोरी के पीछे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ये बात करते हैं कि भी हमें यूरोप जाना है, लेकिन हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है पहले, क्या हम यूरोप जा पाएंगे। इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा चेंज है, ये वीज़ा रिफ्यूज़ल भी हमारे साथ ही हुआ और इसके बारे में डिस्कस करेंगे निशांत की मदद के साथ। तो मैम, थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन दे दें कि आप आपके बच्चों के नाम क्या हैं और आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। हेलो एवरीवन, मैं मिसेस विजयलक्ष्मी मेहता, बाय प्रोफेशन आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर। और मेरे बेटे निशांत मेहता और सुशांत मेहता, जो कि मिस्टर दीपिंदर बाबा जी के थ्रू ही दोनों बच्चे इस टाइम डेनमार्क में स्टडी कर रहे हैं। और पहले 2015 में मेरे बड़े बेटे के लिए मैंने कनाडा ट्राई किया था, जिसमें उसकी रिफ्यूज़ल आ गई थी, तो तब मैं भी कुछ इंटरेस्टेड नहीं थी। तो फिर एक फ्रेंड निशांत का आफ्टर 5 इयर्स आपके थ्रू डेनमार्क गया, तो उसने ये, जैसे बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन होता रहता है, तो उसने बताया कि मेरा जो वीज़ा है कि वो इंडो यूरोपियन इमिग्रेशन से लगा है और तू भी वहाँ पे एक बार ट्राई कर। तो हम भी थोड़े इंटरेस्टेड हो गए कि चलो बच्चे का मन है, तो हमने मिस्टर बाबा से मीटिंग करी। तो फर्स्ट डे सर ने बहुत कॉन्फिडेंटली हमें बोला कि आपके बच्चे की प्रोफाइल अच्छी है और इसका वीज़ा मैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर। तो जर्मनी में हमने निशांत का वीज़ा अप्लाई किया, उसको हम भेजे थे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बाद ड्यू टू कोविड कह दीजिए, ड्यू टू वेरियस रीजंस, निशांत का वीज़ा जर्मनी में रिफ्यूज़ हो जाता है। यू नो, हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो हमारे पास रिफ्यूज़ल लेके आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे रिफ्यूज़ल नहीं आते, 10% रिफ्यूज़ल रेट हमारा भी, क्योंकि अगर हमारी सक्सेस की हम बात करते हैं वीडियोज़ के अंदर, तो हमें हमारे फेलियर्स की भी बात करनी पड़ेगी। तो जो 10% का हमारा रिफ्यूज़ल रेट है, उन 10% स्टूडेंट्स के साथ मैं हमेशा पर्सनली मीटिंग करता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर जो 90% बच्चे जिनके वीजे लग चुके हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी, दे आर हैप्पी विद मी, दे आर हैप्पी विद माय टीम एज ए कंपनी एंड एज ए क्लाइंट, वी आर वेरी सैटिस्फाइड। पर जो 10% रह गए, उनको जो डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, वो उनको कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जोड़ेगा। सो उस चीज को पर्सनल यू नो अटेंशन देने के लिए मैंने लुधियाना ऑफिस में निशांत की मदर के साथ और उनके पेरेंट्स और उसके फादर के साथ और निशांत के साथ एक मीटिंग अरेंज करी, जिसमें मैंने उनसे एक बात डिस्कस करी कि अगर ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है जर्मनी का, तो कोई बात नहीं है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, अगर आप देखेंगे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टीनू घई और भी कई स्टूडेंट्स के लिंक दे रखे हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हमारे साथ और हमने उनके वीज़ा दोबारा लगवाए, उन्हीं कंट्री के अंदर भी लगवाए या किसी और कंट्री में लगवाया। अब हम उस कंट्री में लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं, वो डिपेंड करता है रिफ्यूजल के क्लॉजेस क्या रहेंगे, रीजंस क्या रहेंगे। उसके बाद हम बैठे हैं, बात करी हमने, तो मैम जब बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज हो गया था जर्मनी का, यू नो आपने बताया कि आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, यू नो वेरी वेल नोन इन लुधियाना है, तो आपको कहीं ना कहीं तो आपने भी होप छोड़ी होगी थोड़ी सी। नहीं, मुझे लोगों ने बहुत बोला, मुझे 3-4 लोगों ने बोला कि आप इंडो यूरोपियन से रहने दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मेरी मीटिंग आपसे फर्स्ट टाइम तब हुई थी जब बेटे की रिफ्यूजल आई। Absolutely. मैं पिक्चर में तभी आया था। बिल्कुल। तो मैं, जब आपने हमें कॉल करके स्पेशली बुलाया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैम आप प्लीज एक बार विजिट करो, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं ही आई थी। तो जब मैं आई यहाँ पे, तो मैं मिस्टर बाबा से मिली और लोगों ने जो कहा था कि आप ना लगवाओ ये वो, लेकिन मिस्टर बाबा से मिलने के बाद मैंने कहा, मेरे क्योंकि सारे पैसे जा चुके थे, फी भी जा चुकी थी, इवन के हमने आपके पैसे भी सारे पे किए, तो मैंने बाबा सर से एक ही बात बोली कि सर आप ही इसकी फाइल दोबारा से जहां आपको सही लगता है, क्योंकि मैं श्योर थी कि बेटा अब्रॉड जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके स्टार्स की इंडिकेशन थी। तो मैंने कहा अगर रिफ्यूजल आ भी गई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ने मुझे 10 बार पूछा कि अगर मैम आप चाहते हो पेमेंट वापस रिफंड करवानी है, जैसे भी आप चाहते हो, फर्स्ट ऑप्शन आपकी है। तो मैंने आपसे सर यही कहा था कि सर मुझे आप पे ब्लाइंड फेथ है, आप जैसा भी करोगे मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही करो। और उसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिला कि आपने जो कहा, विद इन 3 मंथ्स मेरे बेटे का वीज़ा आ गया।
और कोविड की इंस्ट्रक्शंस तब भी चल रही थी जब वो लैंड हुआ डेनमार्क में। हाँ जी, और जो सर ने हमें बताया था कि आपके लिए डेनमार्क में जो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, इनकम सोर्सेस भी अच्छे हैं, तो सारी चीज मुझे वैसे ही मिली। सर ने एक भी चीज मुझे गलत गाइड नहीं करी। मतलब जर्मनी से जब आपका वीजा रिफ्यूजल हुआ था तो आपकी जो ट्यूशन फी का रिफंड था वो आ गया? हाँ जी सर, विद इन मंथ आप ही ने मंगवाया था, हमने उसमें कुछ नहीं किया था। आपने वही पैसे यूज करके बेटे का डेनमार्क के लिए फी पे करी थी, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आई क्योंकि आपकी टीम ने पूरा बहुत ज्यादा ग्रेट वर्क किया। थैंक यू मैम। जो एक हमारा ब्लॉक अकाउंट था वो भी हमने ब्रेक करा लिया। हाँ जी बिल्कुल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी जा रहे हो या आप किसी भी कंट्री जा रहे हो, आपकी जो ट्यूशन फी के रिफंड्स हैं उसको इनिशिएट करने में आपने बिल्कुल देरी नहीं करनी है। जैसे ही रिफ्यूजल अगर आप कभी आता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपने इंस्टेंटली आपने अपनी ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस को रिफंड अप्लाई करना है और उसको बड़े रिग्रेसली फॉलो करना है। देखिए, आप मेरे साथ अप्लाई करें या कहीं से अप्लाई करें, डायरेक्ट अप्लाई करें, इन पॉइंट्स को आपने बहुत जरूर देखना है कि आपको वो इसको छोड़ मिस नहीं करना है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कि हमने डेनमार्क में निशान का वीजा लगवा दिया है, निशान पहुंच गया। अब कहने का मतलब ये होता है कि एक बच्चे का वीजा रिफ्यूज होता है जर्मनी के अंदर, वो डेनमार्क जाता है, तो एक तरह से हैप्पीनेस तो जरूर होती है, दैट्स फाइन। लेकिन अब यहां से असली पॉइंट शुरू होता है। काफी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि डेनमार्क के अंदर बेसिकली जो सोर्स ऑफ इनकम है या पार्ट टाइम जॉब्स की इनकम है, मैं इस पॉइंट को स्पेसिफिकली कैटेगरिकली पहले कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉट ऑफ स्टूडेंट जो इंडिया से जाते हैं वो पार्ट टाइम जॉब पे भी डिपेंड करते हैं। आई बिलीव मैम आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट था, है ना? तो बेसिकली हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी या डेनमार्क जब भी जा रहे हैं, हमने ये देखना है कि हमें कोई पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो काफी स्टूडेंट ये कहते हैं डेनमार्क की जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 रुपए की है। तो सर मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज वहां पे जो इनकम का सोर्स है वो कम है। आप मुझे फ्रांस कर दो, आप मुझे जर्मनी कर दो, आप मुझे फिनलैंड कर दो, लेकिन क्योंकि वहां यूरो है, राइट? तो मैं जब इस चीज को हमेशा स्टूडेंट को काउंटर करता हूँ कि अगर वहां पे आपकी इनकम, आपकी जो करेंसी वो कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो इनकम रेट है वो कम है। तो मैम आज निशांत बेसिकली वहां पे लगभग मेरे ख्याल से 8-9 महीने साल से कम पड़ रहे हैं। हाँ जी सर, उसको 8 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, और विद इन 3 डेज मेरे बेटे को वहां पे वर्क मिल गया। मैम हो सकता है निशांत बड़ा ब्राइट स्टूडेंट होगा, उसको मिल गया होगा, पर क्या नहीं सर, वर्क की वहां पे कोई कमी नहीं है। देखो, मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स जरूर चाहिए, मेहनत आप ये माइंडसेट करके चलो कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जो सर आपने बताया था कि वहां पे काम की कोई कमी नहीं है, अच्छा पैसा कमाएगा, और टचवुड वही हुआ, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा। और जब दूसरे बेटे का मैंने सोचा, मैं उसकी यहाँ पे कॉलेज पे एडमिशन करवाने लगी थी, लेकिन मुझे निशांत ने सजेस्ट किया कि मम्मा आप बाबा सर से मिलो और सुशांत को भी आप मेरे पास डेनमार्क ही भेजो। और मैम ये मैंने देखा कि जब निशांत पहुंचा था, ये बात मैंने नोट की थी कि आपने सुशांत की एप्लीकेशन लगभग 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट कर दी थी। हाँ जी सर। सो इसका मतलब कि 15-20 दिन में कन्विंस हो गए कि भाई मुझे डेनमार्क ही भेजना है। बिल्कुल सर। जबकि आपका जो छोटा जून बेटा है वो कनाडा के लिए क्वालिफाई करता था। हाँ जी बिल्कुल सर। सो कितने, अगर आज हम बात करते हैं कि एज ए मदर आपने बच्चे को डेनमार्क भेजा है और आपकी फ्रेंड्स भी काफी सारे होंगे लुधियाना में जिन्होंने बच्चों को कनाडा भेजा होगा, कहीं आपको लगता है कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया? नो सर, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर रियली ग्रेटली हार्टली थैंकफुल टू यू। थैंक यू। और मेरे बच्चों को अच्छा कंट्री मिला और सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, कोई क्राइम नहीं है वहाँ पे। और मेरे सबसे बड़ी पेरेंट्स के लिए बात होती है बच्चे की सेफ्टी, तो मेरे बच्चे वहाँ पे सेफ हैं, तो हम इस चीज के लिए बहुत हैप्पी हैं। और उनको कोई काम की कमी नहीं है वहाँ पे, दोनों बच्चे बहुत अच्छे से अपना कमा रहे हैं, अपनी फी पे कर रहे हैं। कभी उन्होंने हमें एक रुपए के लिए भी नहीं बोला कि मम्मा हमें पैसे चाहिए, उल्टा वो मुझे कहते हैं कि मम्मा आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं बेटा, मैं अपना कर रही हूँ अच्छे से, तो आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से। तो मैम ये तो हो गए आपके दो बच्चे, ना मैं अगर हो एक बार के लिए साइड कर लेता हूँ इस चीज को, हो सकता है कि चलो ठीक है एक दो लोग अच्छी ऑप्शन मिल गई होगी, पर आपको आपने अपने बच्चों से पूछा होगा और भी जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, जी सर, नहीं, तो क्या सबको ऑप्शन मिल जाती है? हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाती है। वहाँ पे जो बच्चे हमारे, अब जैसे कॉलेज में मान लो बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे तो इंडियंस मिलते ही है ना, तो मतलब हर बच्चे के व्यूज बहुत अच्छे हैं डेनमार्क को लेकर।
ठीक है, कोई पर्सन भी ये नहीं कहता कि डेनमार्क में ये प्रॉब्लम है या, और वहाँ के जो कम्युनिकेशंस है वो भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, हर पर्सन बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड करता है, और इन चीजों की वजह से हम भी यहाँ बैठे हजारों मील दूर रिलैक्स फील करते हैं कि बच्चे हैप्पीली बात करते हैं। तो ये सारी चीजें सर पॉसिबल आप ही की वजह से हो पाई हैं, तो मैं तो हमेशा से आपका मैम थैंक यू सो मच। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो मैम, जो हम इनकम की बात करते हैं काफी, मैं बार बार इस चीज को ले रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एडमिशन ट्यूशन फी कितनी है सब बच्चों को पता, ऑनलाइन मिल जाती है बातें, आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने डेनमार्क में शो मनी बिल्कुल जीरो है, आपने भी दिखाई थी दोनों बच्चों के लिए राइट, और वहां जाके आपको बेसिकली कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप लैंड करते हो आपको पूरा वीजा मिल जाता है, जैसे कि अगर आपका 2 साल का कोर्स होगा तो 2.5 साल का वीजा मिलेगा क्योंकि 6 महीने हमेशा एडिशनल मिलता है, और डेनमार्क इकलौती ऐसी कंट्री है जो बेसिकली पूरा TRP कार्ड आपको इकट्ठा दे देती है। तो मैम पर मंथ की अगर बात करूं, मैं कहता हूं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो बच्चा एक कम से कम मिनिमम कितने INR में इनकम कर लेता है डेनमार्क के? सर वो 3.5 से 4 लाख से भी ऊपर कई बार बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा डिपेंड है कि बच्चा कितनी मेहनत कर सकता है, वो स्किल तो देखो पेरेंट्स से आता है बच्चों में। मैम आपने कहा 3.5 से 4 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं खुद इस चीज को कभी, क्योंकि मेरा बेटा दोनों कर रहे हैं, छोटा बेटा चलो उसके क्योंकि कॉलेज के डेज ज्यादा है तो वो छोटा है, तो हम थोड़ा सा उसको खुद बोलते हैं कि बच्चे इतना करने की जरूरत नहीं है, अभी स्टडी पे फोकस करो, अभी 4 इयर्स की स्टडी है आपकी। तो लेकिन निशान ही इज डूइंग वेरी वेल सर। और मैम करता क्या निशान मैडम, के क्या चीज की स्ट्रेट में काम करता है? सर वो इस टाइम वाइट कॉलर जॉब है उसकी, वैन चलाता है, फ्रूट्स की डिलीवरी है। ठीक है, और दोनों ब्रदर्स उसी में, दोनों ब्रदर्स ही वैन चला रहे हैं वहाँ। ओके, सो और साथ में पिज्जा डिलीवरी का भी बच्चों ने काम किया ताकि उनको मतलब एनवायरनमेंट का पता चल जाए उसकी वजह से। सो ये स्टूडेंट्स लाइफ में जो स्टूडेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पे न्यूज़पेपर डालने की जॉब काफी है, वहाँ रेस्टोरेंट की जॉब। सर निशांत ने ये भी करी। अच्छा, उसको ये था कि मम्मा मुझे हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसने 1 मंथ ये भी करी, पूरी रात वो काम करता था। सो स्टूडेंट्स अगर आप स्टूडेंट जॉब की बात करते हो तो उस स्टूडेंट जॉब के अंदर बेसिकली कोरियर कंपनी में, आपके रेस्टोरेंट्स में और न्यूज़पेपर डिलीवरी जॉब्स जो हैं ये हैं, और इन्हीं भी हम मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपको कोई बहुत हाई पेड जॉब मिल जाएगी, बट मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि 1.5 to 2 लाख रुपीज आप अर्न कर लेते हो, बट अगर ये निशांत की मदद खुद बता रही है कि सिर्फ मेरे बच्चे नहीं और भी स्टूडेंट जो है वहाँ पे उनकी पार्ट टाइम इनकम अच्छी है जिससे कि वो अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को फंड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ से 1 साल की फीस पूरी भर के गया है, तो अगर 1 साल का कोर्स है आपका तो ऑटोमेटिकली आप जो भी पैसे कमाओगे वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस में कवर हो जाएंगे बैठ के। सो इसलिए अगर आप डेनमार्क को लेके इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप मोबाइल नंबर नीचे दे रखा है, आप मुझे कॉल करिए, मेरे साथ पर्सनल मीटिंग फिक्स करिए, और ऐसे कई और सक्सेस स्टोरी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब आने वाले टाइम में हम आपको बहुत सारे पेरेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.